अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाली मामू ब्लॉग में आपको खुश आमदीद है। व्यूअर्स, आज मैं लाहौर चुपुर्जी की आपको थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा पुरानी, और अब की सारी डिटेल बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाली मामू ब्लॉग। व्यूअर्स, सारी ज़िंदगी मैं इनके दाएं बाएं से गुजरता रहा हूँ चुपुर्जी के, तो आज पहली दफ़ा मैं अंदर आया हूँ, व्लॉग के बहाने आ गया हूँ, तो आपको भी दिखा रहा हूँ और ख़ुद भी देख रहा हूँ। ये देखें छत कैसी बनी हुई है। व्यूअर, ये एक बाग था, बाग बना था, शहनशाह अकबर ने बनवाया था अपनी बेटी के कहने पे ज़ेबुल निसा के लिए। वो उस वक़्त 8 साल की थी ज़ेबुल निसा। फिर तैमूर के ज़माने में सुना है कि एक सैलाब आया जिसमें काफ़ी इसको नुकसान हुआ, बाग भी ख़त्म हुआ। तो एक शेर याद आता है कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ते बना लिए। फिर व्यूअर, जलजला आया 1846 में, तो ये इसका जो पिलर है, एक जो चबूतरा सा, ये गिर गया। फिर दोबारा किसी गवर्नमेंट आई जो उन्होंने फिर बनवाया, तो ये मरम्मत का काम चलता ही रहता है और गिरने का काम भी चलता ही रहता है। बस ऐसे ही है, ये इतनी पुरानी इमारतें हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। हमारी हिस्ट्री है, हमारी इस इलाके की, मुसलमानों की। लोग आते हैं, गोरे आते हैं, अभी भी यहाँ पे गोरे आए हुए थे, अंग्रेज़ आए हुए थे, वो देखते हैं आके। तो हम पाकिस्तानी ज़रा कम आते हैं, लोग बाहर से 7 समुंदर पार देखने आते हैं इन चीज़ों। ये देखें कितना प्यारा है, ये एक रास्ता है जो ऊपर जाता है, लेकिन वो लॉक है इस वक्त, वो किसी को नहीं जाने दिया उन्होंने। वो कहते हैं ऊपर कुछ भी नहीं है, सामान वगैरह पड़ा होगा ये मरम्मत वगैरह का, ठेकेदारों का। हमने कहा ठीक है। ये देखें वो जो दीवार जो गिर गई थी बाग की, ये वही है, ये देखें। इधर भी देखें, ये सारी मरम्मत की हुई है इन्होंने, बस ऐसे ही है। ये इसकी खूबसूरती भी यही है, बस दौर बदल गया अब। ये देखेंगे बदल गया दौर, पास से क्या गुजरा है हमारे। बस जो आज से 50 साल पहले यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी इसके दाएं बाएं, ये देखें सारी खेती बाड़ी थी। बस वक्त के साथ साथ ऐसे ही है सारा कुछ। जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मुझे तो ऐसी जगहें बहुत पसंद हैं क्योंकि ये पुराने लोगों की यादें दिलाती हैं कि यहाँ पे लोग थे, बादशाह लोग थे या दूसरे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो उन सब चीज़ों का ये सबूत है मुँह बोलता हुआ। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।